मधुबनी की संस्कृति बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षित है। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया। इस सभ्यता, संस्कृति और कला को विदेशों में भी सराहा गया है। देश में तो लोग रूबरू है ही, लोग जानते हैं ही और इसके कायल भी हैं। मधुबनी पेंटिंग आजकल आपको तमाम जगहों पर दिख जाएगी। अगर आप सफर में हैं तो आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं और रेलवे की जो पटरियां हैं और उसके बगल में जो दीवार खड़ी होती है उस पर खूबसूरत खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग उकेरी गई है। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि बरबसी लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है और याद मिथिला की आ जाती है। जी हाँ, मिथिला में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली में रहकर भी मिथिला की उस खूबसूरती और उस सभ्यता संस्कृति को जान सकते हैं, क्योंकि स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में मधुबनी पेंटिंग उकेरी गई है जो कि बेहद खूबसूरत है, जो वहाँ की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। ऐसे ही ट्रेन को भी पूरी तरीके से बनाया गया है, उसी तरीके से रंगा गया है। इतना खूबसूरत लगता है वो ट्रेन देखने में, जिसे देख कर आप आनंद हो उठते हैं, भाव विभोर हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने गांव में ही हैं और गांव की याद बरबस ही तमाम लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसी ही एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसे मिला है बड़ा सम्मान। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग को बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित करने की बात की जा रही है और इसके पहले भी सम्मान मिल चुका है। तो देखिए कि आखिर क्या कुछ है इस रिपोर्ट में और किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग को इतनी बड़ी तरजीह मिली है, ये रिपोर्ट देखिए। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर क्लास में फिल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को बेस्ट नरेशन क्लास में नेशनल अवार्ड मिला है। मधुबनी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और सिर्फ मधुबनी ही नहीं बिहार वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। मधुबनी स्टेशन की साफ सफाई का जिक्र जो है इसमें, मधुबनी स्टेशन की साफ सफाई और सजावट को लेकर बनी इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों के द्वारा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पर की गई मिथिला पेंटिंग को दिखाया गया है। और जिस तरीके से 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर क्लास में फिल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें मधुबनी के तमाम रंगों को दर्शाया गया है। कैसे वहां पर राजा राज करते थे, किस तरीके से वहां पर मधुश्रावणी में दुल्हने सारी एकत्रित हो जाती हैं और पुष्प का लोहरन करने जाती हैं और उसके बाद फिर सभी एक साथ मिलकर माता पार्वती का आह्वान कर उनकी पूजा अर्चना करती हैं, या फिर बात हो जीते जागते भगवान की, भगवान सूर्य की आराधना की, ये तमाम चीजें मधुबनी पेंटिंग में उकेर कर दिखाई जाती हैं और यही फिल्मों के द्वारा बताने की एक कोशिश की गई है। मधुबनी स्टेशन पर किस तरीके से मिथिला के गौरव को और ज़्यादा सम्मानित करने के लिए वहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, ये तमाम चीज़ें इसमें समाहित हैं। सफ़र को बेहतर करने के लिए इस तरीके से जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश कारगर साबित हो रही है, क्योंकि आज आप जब सफ़र करते हैं तो देखते होंगे कि दीवारों पे खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग उकेरी रहती है और ये पेंटिंग बेहद खूबसूरत लगती है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं वो दीवारों पर रंगों से भरे हुए जो ब्रश लगाया जाता है वो इतना खूबसूरत होता है, जिसे देखकर जो सैलानी होते हैं या फिर जो लोग सफ़र पे होते हैं उनका दिल खुश हो जाता है। सफर को बेहतर करने की कोशिश जो हो रही है, इसी के दरमियान ट्रेनों में सफर को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे कई तरह की कोशिशों में जुटा है। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दरभंगा के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन के डिब्बों को भी मधुबनी यानी कि मिथिला पेंटिंग के जरिए सजाया है। रेलवे के इस प्रयोग को यात्रियों ने काफी पसंद किया। इस पेंटिंग के जरिए जहां ट्रेन की खूबसूरती बढ़ी, वहीं यात्रियों का सफर का अनुभव बेहतर हुआ। कुल 100 डिब्बों को सजाया गया। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला अंचल की लोक कला है। इसमें अलग अलग तरीके से पैटर्न का इस्तेमाल कर महीन रेखाओं वाली रंगीन पेंटिंगें बनाई जाती है। दानापुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मिथिला पेंटिंग से कुल 100 डिब्बे सजाए जाने का प्लान भी रखा गया है।
विक्रमशिला एक्सप्रेस को मंजुषा आर्ट से सजाया गया है और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस नए रंग रूप में अब दिखने वाली है। इस ट्रेन के डिब्बों को भागलपुर की मशहूर मंजुषा आर्ट से सजाया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से विक्रमशिला एक्सप्रेस को नए रंग रूप में जिस तरीके से रंगा गया है वो दर्शकों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि संपर्क क्रांति जब कलरफुल हुई थी और मधुबनी पेंटिंग से सज सवर कर आई थी तो दर्शकों और इसके अलावा यात्रियों को वो बहुत पसंद आया था, यात्रियों ने उसे बहुत पसंद किया था। तो मधुबनी पेंटिंग सिर्फ बिहार ही नहीं, अब तो देश विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुकी है। तो जैसे मधुबनी की कलाकृतियों को वहां पर दर्शाया जाता है वो बड़ा ही मनोरम होता है, आकर्षक होता है, और इसके आकर्षण से जो लोग होते हैं वो खींचे चले आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे राज्य की कला है और ये कला आज देश में अपना परचम तो लहरा ही रही है, विदेश में भी इसके नाम है, तमाम जगहों पर इसे ऑनलाइन भेजा जाता है। इसके अलावा इसके कई कद्रदान हैं जो इन पेंटिंगों को खरीदते हैं महंगे दामों पर, और काफ़ी महंगी होती है, ये साड़ियों पर भी बनाई जाती है। इसके अलावा हम आपको बता दें दीवारों पर भी उकेरी जाती है और ट्रेनों में तो उकेरी ही जा रही है, और अब इस पर जिस तरीके से ये फिल्म बनी है इस फिल्म को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, इतना बड़ा सम्मान मिला है मिथिला को कह सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग को सम्मान मिले या फिर उस जगह को सम्मान मिले ये एक ही बात है भैया, या फिर यूं कहें कि बिहार को सम्मान मिला है। बिहार ने वैसे भी अपनी प्रतिभा का परचम तमाम जगहों पर लहराया है, और बात जब मिथिला की हो तो फिर क्या कहें। आपको तो याद ही होगा विद्यापति वहीं से हैं और उन्होंने एक से एक कविताएं लिखी जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, और आज भी इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे ही कई वरिष्ठ पत्रकार और इसके अलावा कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर देश विदेशों में नाम अपना रोशन किया है। अगर बात मिथिला पेंटिंग की चल रही है तो उन तमाम चीज़ों की याद बरबसी आ जाती है, वहाँ की मछली जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इसके अलावा मखाने की खेती होती है वहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी खूबसूरती को बिखेरती हुई हैं वहाँ की कला संस्कृति। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जो कि साड़ियों पर उकेरी जाती हैं, दुपट्टे पर उकेरी जाती हैं, और इसकी खूबसूरती को विदेशों में भी इतनी ज़्यादा तरजीह मिली है कि अब वहाँ की महिलाएं ऑनलाइन ट्रेंडिंग करने लगी हैं, ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर दिया है। तो है ना, बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा अग्रसर, इसीलिए तो मिला है इतना बड़ा सम्मान। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया की तरफ से भी मिथिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो फिलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में, हमें दीजिए इजाज़त। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा और बिहार के साथ साथ मिथिला वासियों को आप कितना करते हैं याद और उनकी संस्कृति आपको कैसी लगती है, हमें ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें रहता है इंतज़ार। नमस्कार।